खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी किस ट्रैक में जाती है और क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये आई थिंक दर्शकों को देखने में बहुत मजा आएगा। एक जो शॉर्ट फिल्म है, इस शॉर्ट फिल्म को एक बड़े लेवल पे बनाया गया है, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है और एक अच्छी बात को छोटे स्टोरी में कहने की कोशिश की गई है, जिससे कि जैसा आजकल आप देखते हो कि लोग बार बार रिमोट से चैनल बदलते रहते हैं क्योंकि एक जगह वो रुक नहीं पाते, उन्हें एंटरटेनिंग नहीं लगता, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखे शॉर्ट फिल्म्स का ट्रेंड शुरू हुआ है और यही हमारा प्रयास रहा है कि हम अपनी इस 15-20 मिनट की फिल्म में वो सब कहते हैं जो एक बड़ी फिल्म में कहा जाता है और इसको एक रोमांटिक। एक्चुअली ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है वो अब बहुत कम हुआ है। पहले तो ऑडियंस बैठे रहती थी, फिल्में भी जो है पूरे एक साल चली जाती थी, लेकिन आजकल पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लोग 6-6 मिनट की वीडियो में एक एक घंटे की कहानियां बता रहे हैं। तो आजकल अगर जो शॉर्ट फिल्म्स या ऑनलाइन मीडिया में नहीं है वो तो एक्सटिंक्ट होने वाला है। आपका किरदार क्या है सर? मैं इसमें पीहू का फादर बना हूँ, उसका बहुत इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि वो बिना माँ की बच्ची है और जब एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो सपोर्ट पूरी तरह से मिल सकता है। ये जो फिल्म है इसका मज़ा बड़े पर्दे का ही है क्योंकि इसकी जो लुक है, इसकी जो फील है, किसी भी ऑडियंस को लगेगा नहीं कि ये एक शॉर्ट फिल्म है, उनको ऐसा लगेगा कि वो एक्चुअली कोई धर्मा प्रोडक्शन या कोई यशराज प्रोडक्शन की मूवी देख रहे हैं क्योंकि वो फील, वो टेक्सचर, वो स्टोरी लाइन वही लेवल की है। तो हम देखते भी हैं, बचपन से हमने मूवीज देखी है यशराज की, हमने DDLJ देखी है, दिल तो पागल है देखी है, लव आजकल, तो वो जो स्टोरीज है उसकी फील जो है वो इस स्टोरी में आपको मिलेगी। तो है ये बड़ी कहानी, शॉर्ट फिल्म बस एक टाइम स्पैन है, लेकिन जो ऑडियंस है वो सारे पलों से, उन सारे मोमेंट से गुजरेगी जो एक 2 घंटे की फिल्म में गुजरेगी। मुझे अगर आप पर्सनली पूछें तो मुझे शॉर्ट फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि शॉर्ट फिल्म में जो बात बड़ी फिल्म में 2-3 घंटे में कही जाती है, शॉर्ट फिल्म में हम कोशिश करते हैं कि उसी बात को 15-20 मिनट में कह दें, उसका इम्पैक्ट भी होता है और कहानी को दर्शक तक पहुँचाने में एक डायरेक्टनेस महसूस होती है। मैं इसमें
पीयू का लव इंटरेस्ट प्ले कर रहा हूँ। इसमें हम दोनों बचपन से साथ में बड़े होते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। मेरा जो कैरेक्टर है बेसिकली एक कॉर्पोरेट स्टाइल में मैं एक मैनेजर हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है इसमें वही थोड़ा आशिकी भरा है, थोड़ा रोमांटिक है। तो कैसे बेसिकली आजकल के मॉडर्न दौर में हम एक रियलिटी में कैसे एक लव को एक्सपीरियंस करते हैं, ये दिखाया गया है। मुझे तो लगता है कि ये जो छोटी फिल्में बन रही हैं यही फिल्मों का भविष्य है, क्योंकि छोटी फिल्में जिस तरह से इफेक्टिवली डायरेक्टर की बात कह पा रही हैं, एक्टर की बात कह पा रही हैं, कहानी को बता पा रही हैं, वो शायद बड़ी फिल्में नहीं कर पाती, क्योंकि बड़ी फिल्म में फिर मसाले डालने पड़ते हैं, फॉर्मूले डालने पड़ते हैं, इधर उधर निशुम डालनी पड़ती है, वो इन छोटी फिल्मों में डालने की ज़रूरत नहीं होती। दर्शक भी बता रहता है, आप समझते हो जैसे एक नावल होता है 200-300-400 पेज का, और उसके बनिस्बत एक 3-4 पेज की कहानी होती है, तो कहानी जो इम्पैक्ट छोड़ती है वो शायद उपन्यास नहीं छोड़ पाता। वही बात शॉर्ट फिल्म के साथ सनैर जी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। शी इज़ एफर्टलेस एक्टर, और आखिर पूरी दुनिया ही जानती है कि सनैर जी कितनी अच्छी एक्टर, पर आई थिंक वो बहुत अच्छी इंसान भी है। उन्होंने बहुत कम्फर्टेबल फील कराया, उन्होंने बहुत कॉर्डियल माहौल बना लिया पूरे सेट पे, एंड आई थिंक इट वाज अ फन एंड प्लेजरेबल मोमेंट। एक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे, नेशनल अवार्ड जीते हैं। हां जी, एक्टर्स के बारे में मैं सचिन सर के साथ पहले से एसोसिएटेड हूँ। उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए हैं दिल्ली में और बहुत सारी जगह पे। पहले मैंने उनकी जो फीचर फिल्म थी उसमें मैंने एज असिस्टेंट भी काम किया था, और बहुत सारे प्लेस एंड थिएटर्स किए मैंने उनके साथ। तो उनकी ट्यूटलेज में और उनकी ट्रेनिंग में मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस मुझे इस फिल्म में काम आएगा, और उनके साथ ही मेरी और एक प्रोडक्शन है आगे जो बाकी एक फीचर फिल्म है जो क्राइम थ्रिलर है, तो उसमें मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ बहुत अहम, तो वो भी मेरा अपनी प्रोजेक्ट है वैसे उनके साथ। अगर रोमांटिक फिल्म की बात करें तो कुछ रोमांटिक सीन भी है फिल्म में, कुछ ऐसे इंटीमेट सीन्स वगैरह कुछ पल है, कुछ मोमेंट्स है जहाँ पे ऑडियंस को वो रोमांटिक फील मिलेगी, और वही फील जो आई थिंक वो मिस कर रहे हैं आजकल। बहुत सारा जो सिनेमा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा धाम धाम डिशुम डिशुम लेवल पे चला गया, वो फील और मोमेंट्स मिस कर रहे हैं आई थिंक। तो वो उनको मोमेंट्स मिलेंगे, वो लव के मोमेंट्स, वो रोमांटिक मोमेंट्स की आप एक साथ में बैठे हैं, नज़रों से नज़रों में देख के आप लव का आनंद ले रहे हैं, तो आई थिंक वो जो पल है वो उनको मिल जाएंगे। तो देर इज नो इंटीमेट सीन्स ऑफ इंटीमेसी क्या होती है, इंटीमेसी इज अ मोमेंट ऑफ बीइंग विद ईच अदर, तो वो इंटीमेसी है इस शॉर्ट फिल्म। बहुत ही क्लीन फिल्म है, बहुत ही हेल्दी एंड क्लीन फिल्म है, बट रोमांटिक स्टोरी है इसके अंदर। तो यू विल सी देयर आर इंटीमेट मोमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कि एक लविंग पल है इस फिल्म में, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी डीप है। ये जो स्टोरी है इसके अंदर कैसे ये जो कपल है ये एक दूसरे से कैसे सेपरेट हो रहे और फिर होता क्या है इनके आगे लाइफ में, तो वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उसके बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस के साथ में? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और मुझे तो उनका फादर बन के बहुत गर्व महसूस हुआ। देखिए फिल्म भी बढ़िया, दर्शकों को भी पसंद आएगी, और हमने अगर भगवान ने चाहा तो आगे और इकट्ठा काम करेगी।